सबसे वफादार जानवर कुत्ता। लेकिन जानते हैं, कुछ 20,000 साल पहले इन्हें इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। आज इंटरनेशनल डॉग डे के मौके पर जानते हैं कुत्तों के एवोल्यूशन की पूरी कहानी। कुछ 10,000 से 20,000 साल पहले धरती पर आइस एज का आखिरी दौर था। इंसानों की आबादी के बढ़ने के साथ ही पेड़ पौधे और जानवर भी सतह पर आने लगे थे। साइंटिस्ट ने इसे प्लेस्टोसीन नाम दिया। इसी दौरान भेड़ियों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, जिन्हें खाने की तलाश रहती। कुछ कम डरपोक भेड़िए इंसानों की बस्तियों के पास आने लगे, जहां इंसानों के इस्तेमाल के बाद बची हुई हड्डियां और मांस इन भेड़ियों को आसानी से मिल जाता था। उस दौर में धरती बर्फ से ढकी हुई थी, तो शिकार करने को ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसे में कई बार इंसानों और भेड़ियों के बीच शिकार को लेकर मुठभेड़ हो जाती थी, और इस तरह इंसान और भेड़िए एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। रिसर्च के मुताबिक स्ट्रेस हार्मोन भेड़ियों को चिड़चिड़ा बनाता है, और इसी वजह से वो इंसानों की बस्तियों से दूर रहते थे। लेकिन कुछ भेड़ियों में ये हार्मोन नेचुरली कम था। ऐसे भेड़िए इंसान के करीब जाने की कोशिश करने लगे। इंसानों ने भी इन्हें बची हुई हड्डियां डालना शुरू कर दिया, और यहां से इंसान और शांत भेड़ियों की दोस्ती शुरू हो गई। आने वाले सालों में इंसानों ने भेड़ियों के साथ कई प्रयोग किए। यही दौर था जहां से भेड़ियों का कुत्तों के रूप में बदलना शुरू हुआ, और उनके डीएनए में स्ट्रेस हार्मोन गिरने लगा। भेड़ियों के दांतों का नुकीलापन कम होने लगा, जबड़े और दूसरी हड्डियों में फर्क दिखने लगा, और स्वभाव इंसानों के लिए दोस्ताना हो गया। चीन में 16,000 साल पहले, भारत में करीब 12,000 से 14,000 साल पहले, और अमेरिका में करीब 10,000 साल पहले इन्हें पाला जाने लगा। इसके अलावा इंसानों ने क्रॉस ब्रीडिंग यानी दो अलग अलग प्रजातियों के कुत्तों के मेल से नए और सामान्य कुत्तों से अलग नस्ल के कुत्ते बनाए। भेड़ियों से बने कुत्तों का इस्तेमाल इंसान शिकार और लड़ाई के लिए करता था। घुसपैठियों से लड़ाई में भी ये इंसानों की मदद करते, और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे। हजारों साल में दोनों के बीच एक समझ विकसित हो गई। कई सभ्यताओं में तो इंसानों के साथ कुत्तों को पूरे विधि विधान से दफनाने का साक्ष्य मिलता है। आज कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते हरे और पीले के अलावा कोई भी दूसरा रंग नहीं देख सकते? लेकिन हाँ, कम रोशनी में उन्हें चीजें इंसानों से बेहतर दिखाई देती हैं। कुत्तों की सबसे बड़ी खासियत उनकी सुनने और सूंघने की शक्ति है। वो इंसानों की तुलना में 5 गुना बेहतर सुन पाते हैं। वहीं सूंघने की बात आती है तो वो इंसानों से 1,000 गुना बेहतर होते हैं। इसके अलावा वो इंसान की भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। जानते हैं, आपके डॉग फ्रेंड्स भी आप ही की तरह खुशी, दुख, घबराहट और डर जैसे ढेरों इमोशंस को फील कर सकते हैं। ऐसे ही और